ऑपरेटर पीसी सिंह के हौसले इतने बुलंदियों पर हैं कि अब वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने करीबी लोगों को ही दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकने का काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं एल्विन मसीह की, जो सीनेट में सामान्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन जैसे ही पीसी सिंह को लगने लगा कि अब वह उसके कोई काम का नहीं है और अब वह उसके काले कारनामों में भी उसका साथ नहीं दे रहा, वैसे ही सीएनआई के मॉडरेटर पीसी सिंह ने एल्विन मसीह को सीनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि इस विषय को लेकर एक दिन पूर्व ही दिल्ली सीनेट में बैठक हुई, जिसमें से एल्विन मसीह को आपके विषय में चर्चा हो रही है कहकर बाहर निकाल दिया। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक में एल्विन मसीह को जनरल सचिव के पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं और साथ ही उसके ऊपर एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पीसी सिंह किसी भी ऐसे बिशपों का सगा नहीं है जो उसके और उसके मॉडरेटर पद के बीच आए। वहीं अगर बात करें सीएनआई के फाउंडरों की तो उनको भी पीसी सिंह ने धीरे धीरे करके अपने रास्ते से हटा दिया। इसी बीच 29 फरवरी को पीसी सिंह के तिल्दा आने की भी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा पीसी सिंह को उसके गलत कृत्यों के लिए ज्ञापन भी सौंपे जाने की बात कही जा रही है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए इस वक्त फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश जी। राजेश जी, क्या खबर निकल कर आ रही है सामने, क्या कहना है लोगों का पीसीसी के आगमन को लेकर? देखिए पूजा जी, सीएनआई का जो संविधान है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो एडॉप कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें 6-6 महीने में नियम एवं शर्तों को बढ़ाने के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सीएनआई के मॉडरेटर पीसी सिंह संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के लोगों में पीसी सिंह के खिलाफ जमकर आक्रोश है, जिसको देखकर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि आगामी 29 तारीख को पीसी सिंह के तिल्दा आगमन पर छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा इन्हीं सब विषय में पीसी सिंह को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि पीसी सिंह क्या छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलेंगे या पूर्व में जैसे चकमा देकर निकल जाएंगे। वहीं अगर पीसी सिंह तिल्दा आते हैं और मसीही लोगों से नहीं मिलते हैं तो इन लोगों द्वारा तिल्दा में चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इन सबको देखकर तो यही लगता है कि सीएनआई के मॉडरेटर पीसी सिंह ने उन सभी बिशपों को संकेत दे दिया है कि जो भी उसके और उसके पद के बीच आएगा, चाहे वह उसका कितना भी हितैषी क्यों ना हो, उनको भी ऐसे ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।